रेनबोज। ध्यान से उठाना पड़ेगा क्योंकि पीछे जो इसके लगा है ना, बहुत सुंदर सा नजारा देखा मैंने। कोई ना कार के ऊपर चप्पल छोड़ के गया है। ये अजमेर की वो मार्केट है जहाँ पाकिस्तान से भी लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये फैब्रिक जिस चीज के लिए है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक चीज दिखाने के लिए देखो, ये नींबू का पेड़ है, नींबू उग रहे हैं छोटे छोटे, ये रहे। कान में बजा के गया यार। मैं पर्स की पर यहाँ पे ना मैंने मेंढक देखा है। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Anjul Mangani, and if you're new to this channel, please go and subscribe the channel first. It'll make me really, really happy. तो मैं ना 3-4 दिन के बाद व्लॉग कर रही हूँ। ये 3-4 दिन से इसीलिए चैनल पे कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, बिकॉज बारिश ही हो रही है 3-4 दिन से, और लगातार बारिश हो रही है। मतलब रात में भी नहीं रुक रही, जगह जगह पे पानी भर चुका है, ऐसी हालत हो रही है हमारे यहाँ की। तो ऐसे में ना व्लॉगिंग करना मोनोटनस लगता है, बोरिंग लगता है, क्योंकि कहीं बाहर जाना भी नहीं होता है। वैसे बारिश तो मुझे बहुत पसंद है, मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन विंडो खोल के चाय का कप लेके बैठी रहूँ, बारिश देखती रहूँ। लेकिन व्लॉग के पर्पज से थोड़ी बोरिंग हो जाती है। अभी भी पड़ ही रही है, रुकी नहीं है। पता है कैसे पड़ती है? एक घंटा बहुत तेज़ चलेगी, फिर 1-2 मिनट के लिए धीरे हो जाएगी, फिर वापस तेज़ हो जाएगी। रुकती नहीं है, पड़ती तो है, स्पीड में बस वो गेम खेल रही है। हमारे यहाँ ना चेरी होगी थी, मैंने तोड़ के यहाँ रख दी। इस पेड़ में होगी थी चेरी प्लांट। 2 चेरीज तो हमने खा भी ली, बहुत टेस्टी, मस्त, मीठी मीठी, मतलब टोटल मीठी नहीं, खट्टी मीठी। इसमें अभी और उग रही है, फ्लावरिंग भी आ रही है। इसमें दिखाती हूँ, ये देखो, ये ग्रीन कलर की है, बड़ी हो जाएगी फिर इसके जैसी हो जाएगी, बिल्कुल एकदम मस्त मरून कलर की। तो जब चेरीज मरून कलर की हो जाती है ना, तो वो मीठी लगती है, अदरवाइज रेड रेड होती है ना, तो नहीं खानी चाहिए, वो खट्टी होती है। इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है, और अब जहाँ जहाँ फ्लावरिंग आ रही है ना, वहाँ वहाँ चेरी उगने वाली है। वो देखो, ऊपर भी छोटे छोटे से फ्लावर्स ही है, बहुत छोटे छोटे से हैं। तो ऐसा होता है चेरी का प्लांट, और इस प्लांट में इस बार बहुत सारी चेरीज आई। एक तो यहाँ पे टूटी हुई पड़ी है, ये जो मरून कलर की हो जाती है ना, इसे एकदम पक जाती है, वो अपने आप टूट के ऐसे गिर जाती है। और मेरे को ना एक चीज दिखानी थी आप लोगों को। देखो, नेचर को कोई नहीं रोक सकता। एक पौधा खिला है, कहाँ पे खिला ही देखना, खिला नहीं, खिलता तो फ्लावर है, कहाँ पे उगा है पौधा ही देखना। ये देखो, विंडो के यहाँ पर अभी कोई जगह है, पर किसी पक्षी ने बीज गिराया होगा ना यहाँ पे, तो बारिश की वजह से यहाँ पर भी पौधा उग गया। कितनी मस्त जगह है ये। सामने घर वालों की विंडो है, वहाँ पे होगा है। और दूसरा एक और दिखाती हूँ, वो तो हमारे घर में ही है। ग्रेनाइट में पौधा उगता हुआ देखा है गाइस कभी? नहीं ना। ये देखो, ये कहाँ उग गया है, और कहाँ से, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पौधे उग गए लगातार। इसका भी कोई बीज आ गया होगा, यहाँ उड़ के हवा में, और ये उग गया। अब एक मस्त चीज़ बताती हूँ। कल ना बहुत सुंदर सा नज़ारा देखा मैंने, वो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसकी, तो अभी मैं इस क्लिप के बाद वो वाली वीडियो डालती हूँ, आप देखना इतना सुंदर नज़ारा ना। गाइज, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव द व्यू इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मैं नींद से उठ के आई हूँ, बारिश पड़ रही थी, मम्मी ने चाय पीने के लिए उठाया, मैंने कहा बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, छत से होके आती हूँ। ओह माय गॉड, 2 रेनबोज, वो भी इतने सुंदर। ओह माय गॉड, स्लोली स्लोली फेड अवे हो रहा है यार, बहुत बड़ा निकला है रेनबो, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर लग रहा है। इतना बड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा रेनबो, कुछ, और वो भी 2-2। दूसरा तो थोड़ा सा लाइट है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज नोटिस करी मैंने मस्त वाली, वो क्लाउड ना धीरे धीरे वहाँ जाता जा रहा है, तो क्लाउड के साथ साथ रेनबो भी खसकता जा रहा है वो वाला। वाह यार, ये पहले बहुत पास था, अब जैसे जैसे वो वाला क्लाउड ज़्यादा जा रहा है दूर, वो रेनबो भी खसकता जा रहा है। तो अब बताओ कैसी लगी आपको वो वीडियो, क्या पता रेनबो आज भी निकल जाए, हु नोज, मुझे कॉमेंट बताना कैसी लगी। और अगर आज भी निकल गया ना, तो मैं आज भी निकालूंगी उसका वीडियो, बहुत सुंदर निकला था यार।
तो अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी अंदर चल के खाना खाते हैं। हमारा खाना आ चुका है, अब हम खाते हैं खाना। आज बना है ये न्यूट्री वाला पुलाव। मुझे न्यूट्री कम पसंद है पर थोड़ी क्वांटिटी में मैं खा लेती हूँ। ये आलू का पराठा विद बटर, गवार फली की सब्ज़ी, दही। अब खाना खा के फिर मिलते हैं। फूड विद व्यू। गाइज, थोड़ी देर के लिए ना मौसम खुल गया है, तो हम लोगों के जो पोस्टपोन किए हुए काम है ना मार्केट के, वो हम लोग करके आ रहे हैं। मम्मी ने इंस्टेंटली प्लान बनाया है कि जब तक ऐसा मौसम है, बारिश बंद है, तो चलते हैं काम करके आते हैं। खाना खा के हम लोग ने रेस्ट किया थोड़ी देर, और अभी हम लोग चलते हैं मार्केट में फटाफट से। मम्मी का वेट कर रही हूँ, बाहर आ जाए फिर हम लोग जाएंगे। मैं इतनी देर से गाड़ी निकाल के वेट कर रही हूँ, मम्मी का अभी तक नहीं आई है, और सामने से मुझे लक्षण लग नहीं रहे हैं कि मौसम ज़्यादा देर तक खुला हुआ रहेगा। पूरे पूरे ऐसे लग रहा है कि बारिश आएगी, और ऐसा ना हो कि रास्ते में आ जाए और हम लोग भीग जाएं। अगर आज ज़रूरी काम नहीं होता ना तो हम नहीं जाते। कोई ना कार के ऊपर चप्पल छोड़ के गया है। किसकी चप्पल है भाई, बच्चे की चप्पल लग रही है। ऐसे मौसम में ना गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। इतना ठंडा ठंडा मौसम, खाली खाली रोड्स, आय हाय, ये चीज़ सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है, इस एक्सपीरियंस को बताया नहीं जा सकता। और देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी हो रही है साइड साइड में। यार यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है, कल गणेश चतुर्थी है ना, तो हर जगह स्टॉल्स पे देखो कितने सुंदर सुंदर गणपति मिल रहे हैं। और पता है ये सारे मिट्टी के हैं अब, लेकिन बारिश की वजह से इन्होंने ढक के रखे हैं पॉलीथीन्स में। तो हम पहुँच चुके हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन पे, ये है डिगी बाज़ार। यहाँ से पाकिस्तान से भी लोग आते हैं और मम्मी को यहाँ जाना था, दुपट्टा लेना था। तो एक दुपट्टा स्टोर है, मतलब दुपट्टा प्लस फैब्रिक स्टोर है। यहाँ पे मैचिंग का आपको जो भी फैब्रिक है, दुपट्टा है, वो मिल जाएगा। तो यहाँ से मम्मी को जो लेना है पहले वो लेगी, फिर हम लोग जाएंगे हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे। दुपट्टे के साथ साथ मम्मी ने फैब्रिक पसंद किया है, ये फैब्रिक कुछ स्पेशल चीज़ बनाने के लिए लिया जा रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब वो चीज़ बन जाएगी। मतलब चीज़ क्या, ऑब्वियसली कपड़ा ही लिया है तो कपड़े ही बनेंगे। देखो ये वेलवेट है, इस पर सीक्वेंस का काम है। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे जो पाकिस्तान से लोग आते हैं ना, वो भी इस शॉप से शॉपिंग करके जाते हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान से मेरा व्लॉग देख रहा है तो कमेंट्स में हाय लिख देना। ये देखो ये डिगी बाज़ार की आधी शॉप्स तो खुली नहीं है, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ था ना, तो जो लोग यहाँ से दूर रहते हैं, जिनके पानी भरा हुआ है, वो लोग तो यहाँ आ ही नहीं पाए शॉप खोलने के लिए। और ये सब मुझे इन अंकल ने ही बताया जिनकी शॉप है, क्योंकि ये खुद लेट आए हैं, ये वैशाली नगर में रहते हैं ना, तो ये लेट आए वहाँ से, क्योंकि उस साइड पानी था। अभी हम लोग आए हमारी थर्ड डेस्टिनेशन पे। यहाँ से मम्मी को कुछ लेस वगैरह लेना था, और इतनी घुटन हो रही है ना यार यहाँ पे। एक तो इतनी पतली पतली गलियाँ, ऊपर से बारिश की वजह से इतनी ह्यूमिडिटी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। इतनी घुटन हो रही है ना, ऐसा लग रहा है बस घर भाग जाएं। बारिश पड़ने वाली है इसीलिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। इतनी जोर से कान में बजा के गया यार। और दीदी को मैं आपको गलत दूंगा नहीं, ये सजेशन ऐसे बन के आती हूँ मैं मार्केट में, ऐसे पूरा क्लोज रहता है ये वो जगह जहाँ सुबह पानी के नाले बह रहे थे। और हम लोग इस शॉप पे आए, बस ये लास्ट शॉप है, इसके बाद हम लोग घर जाएंगे। इतनी घुटन हो रही है ना आज तो भयंकर, क्योंकि गणेश जी के दिन आ गए हैं, तो इन्होंने मोदक रख रखे हैं, लेकिन कुछ ढक नहीं रखा, इस पर मक्खियाँ मक्खियाँ हो रही है, इन्होंने ढक रखा है। फाइनली घर पहुंच गए हैं, इतना भंडार सामान लेके शॉपिंग हो गई। मेन असली सामान तो इसमें, जो मैं बाद में दिखाऊंगी। मम्मी के हाथ में पौधे थे ना येलो कलर की, फोन आ रहा है किसी को। हम लोग मार्केट से होके और आगे देखो मेरी ऐसे हो रही है। वाह मुझे इतनी घुटन लग रही थी ना, मम्मी को कह रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो, तीन मार्केट गए, तीनों मार्केट में इतनी घुटन। क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो इसीलिए इतनी घुटन हो गई ना हर जगह पर, सारी मार्केट में इतनी सकड़ी सकड़ी रोड, बहुत पतली पतली गलियाँ, ऊपर से इतने सारे लोग। वैसे कंपैरेटिवली लोग आज थे नहीं, बारिश की वजह से मार्केट से ना अभी शाम को खुल रही हैं। काफ़ी सारी शॉप्स तो बंद थी, खुली नहीं थी, काफ़ी सारी शॉप्स अभी शाम को खुल रही थी, तो
तो मुझे बहुत घुटन हुई थी, लेकिन फिर भी हमको जो काम करने थे हम करके आ गए। एक आध चीज़ रह गई, वो फिर कभी देखते हैं। लकीली बारिश नहीं पड़ी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कह रही थी ना, वो अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। फिलहाल जो सारी एनर्जी निकल गई है बाजार जाके, वो रिफ्यूल करने के लिए मैं चाय पीऊँगी अभी। और अभी दोबारा से हमें मार्केट जाना है एक और चीज़ लेने के लिए। एक्चुअली चीज़ नहीं, अभी दोबारा से मार्केट मैं जाऊँगी और दंशी जाएगी, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। तो हम लोग के मंदिर में गणेश जी रखते हैं, फिर 10-11 दिन होते हैं शायद, कितने दिन रखते हैं, 9 दिन 10 दिन, जितने भी दिन रखते हैं उतने दिन रख के फिर उनका विसर्जन करते हैं। तो उसके लिए कल फर्स्ट डे है ना, तो गणेश जी लाने पड़ेंगे। तो मैं और दंशी गणेश जी लेने जाएंगे। हम लोग रास्ते में गए थे ना, तो बहुत सारे गणेश जी थे जगह जगह पर, बहुत सुंदर सुंदर। बट हम लोग का ऐसा था कि बहुत सारा सामान था, तो हम लोग लेके नहीं आ पाए, और अगर गणेश जी लेके जाते तो फिर सामान नहीं लेके आ पाते। इसीलिए अब मैं दंशी के साथ जाऊंगी, उसको लेके आऊंगी। इस व्यू के साथ चाय पीने का ना मज़ा ही अलग है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बाहर कोई आ रहा जा रहा है देखते जाओ, बर्ड्स की आवाज़ सुनो, अच्छा सा व्यू के साथ चाय इंजॉय करो। ये और मैं जा रहे हैं गणेश जी को लेने के लिए। हम नए इधर रुके हैं स्पेशली एक चीज़ दिखाने के लिए। देखो ये नींबू का पेड़ है, से नींबू हो गए रहे हैं छोटे छोटे, ये रहे ऊपर भी है, येलो हो गए ऊपर वाले। चलो गए इधर चलते हैं। तो पहुंच गए फाइनली, और देखो कितने सुंदर सुंदर गणपति हैं, दिखाना। हम लोग वहाँ पे चलते हैं क्योंकि हमको थोड़े छोटे वाले चाहिए, यहाँ पे सारे बड़े वाले तो उस शॉप पे तो समझ नहीं आया। अभी हम आए दूसरे शॉप पे और हमें ये वाले गणपति जी है ना, ये वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हमने फाइनल कर लिए ये वाले गणपति। बस ये चेक करना खंडित नहीं हो कहीं से। तुझे ध्यान से उठाना पड़ेगा क्योंकि पीछे जो इसके लगा है ना, ये हिल रहा है, मतलब बहुत केयरफुली। पीछे जो है ना गोल गोल चक्र भगवान के, अच्छा केयरफुली लगा। ये वाला आप पैक कर दो थोड़ा आंटी, ये रहा ये रहा। वो ढका हुआ अखबार, मेंढक तो बता। कपड़ा लाए, कपड़ा अपना सब मेरे पास है, मेरे पॉकेट में पर्स की, पर यहाँ पे ना मैंने मेंढक देखा है। कहाँ पे? इधर आगे, आपके इधर ही घर के। और देखा मम्मी गेट मत खोलना, मुझे तो दिखेगा ही नहीं। अंकल जी टेबल ना इधर रख दो या वहाँ रख दो, रखेंगे वहाँ रख दो रिकॉर्डर में। तो हमने जो पसंद किए थे ना गणपति पप्पा, हम वो ही लेके आए और यहाँ पे रख दिया। अभी मंदिर में सुबह स्थापना होगी कल। तो गाइस रात हो चुकी है, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ ना, वो है ये। मतलब स्पेशली मम्मी की तो काम थी, बट स्पेशली मैं जिस चीज़ के लिए गई थी ना मार्केट, वो है इसमें। तो मैंने भगवद गीता एक बार पढ़ी है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं रामचरितमानस पढूं, बट मुझे पहले लगा था कि हमारे पास रामचरितमानस है, बट हमारे पास रामचरितमानस नहीं थी, तो मैं जाके लेके आई फाइनली। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। और साथ साथ में मैं सुंदरकांड की भी बुक लेके आई हूँ, ये मम्मी लेके आई है बृहस्पतिवार व्रत कथा, क्योंकि मम्मी की जो पहले की जो कथा है ना वो थोड़ी फट सी गई, बहुत सालों पुरानी बुक है कथा की। तो मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मैं रामचरितमानस पढ़ूँ, पर मुझे लगता था क्योंकि हमारे मंदिर में ना बहुत सारी बुक्स पड़ी है मंदिर की ही, उसमें भगवद गीता भी है और भी बहुत सारी होली बुक्स है, सिर्फ इस बुक की कमी थी। और मेरे बहुत टाइम से ये हो रही थी
एक डेढ़ साल से कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़नी है और फाइनली मैं ये लेके आ गई और अब मैं इसको कोशिश करूँगी जल्दी स्टार्ट करूँ क्योंकि मुझे करनी है, मेरी बहुत इच्छा थी। फाइनली आज वो काम हो गया। मैंने वैसे सोचा था कि मैं ट्यूसडे को जाके लेके आऊँगी बिकॉज ट्यूसडे इज़ मंगलवार, बालाजी का दिन होता है, शुभ दिन होता है, वैसे शुभ दिन तो सारे ही होते हैं, पर ट्यूसडे को बारिश रुकी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकी। और आज फिर मम्मी ने कहा थोड़ा मौसम खुल गया है तो चलते हैं, मुझे दो तीन काम है, तो मैंने कहा चलो चलो मुझे भी काम है इम्पोर्टेंट, तो ये है मेरा इम्पोर्टेंट काम। सो फाइनली रामचरितमानस आज हमारे घर में आ गई और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना। और आज ही हम गणपति पापा भी लेके आए हैं, कल स्थापना हुई तो हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और जो जो भी मुझे समझ आएगा जैसे जैसे भी वो मैं आप लोगों से भी शेयर करती जाऊँगी कि पढ़ने के बाद। तो अब मैं सोच रही हूँ इसी के साथ हम लोग इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा बात करूँगी, ज़्यादा बोलूँगी ना तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं एडिट करने में बहुत टाइम लगा दूँगी। तो इसी व्लॉग को हम इसीलिए यहाँ पे एंड कर रहे हैं ताकि मैं इसको जल्दी से एडिट कर पाऊँ और आप लोग जल्दी से देख पाऊँ। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल का व्लॉग भी हम लोग बनाएंगे तो इस व्लॉग को मैं जल्दी से एडिट करके पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। See you soon. Do what you love. बात ही करती है, अपने बात करने के लिए बोला कोई बात नहीं, सब भी तो बैठते हैं, बार बार कहाँ जाए दो पड़ोसी बात कर रहे हैं। और आज मैं थोड़ा थक भी गई, वैसे मैं थकती नहीं हूँ इतना, ये तो कुछ नहीं दिखाया है मैंने अपनी लाइफ का पार्ट आप लोगों को। मैं इन सब के साथ साथ शूट भी करती हूँ, अपने कैंपिंग्स भी रिकॉर्ड करती हूँ, प्रैक्टिसेस भी करती हूँ जो डांस की वीडियोस होती है उनके लिए। आज मैं ज़्यादा इसलिए थक गई, एनर्जी उस वजह से ड्रेन हो गई क्योंकि जो हम लोग मार्केट गए थे ना वहाँ पर जो मुझे घुटन फील हुई ना उन सकड़ी सकड़ी गलियों में जब बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी, ऐसी शॉप्स थी ना एकदम जैसे यार पता नहीं कैसे वो लोग जो शॉपकीपर्स है मैनेज कर रहे हैं, मुझे बहुत घुटन हो रही थी वहाँ पे, बहुत क्लोज्ड कंजस्टेड एरिया में शॉप।